हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, पीवीसी प्रोडक्ट टी। ये हमारा 40 mm टी है। इसका आज हम 2D ड्राइंग, 3D आर्टिकल ड्राइंग और इसका 6 कैविटी का मोल्ड डिजाइन बनाएंगे। कंप्लीट मोल्ड डिजाइन आज हम सीखेंगे, जिसमें मोल्ड डिजाइन में आपको स्लीव इजेक्शन, स्लाइडर वर्किंग और कैम ट्रैक वर्किंग, ये सब तमाम चीज़ों के साथ हम मोल्ड डिजाइन आज सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका 2D बनाते हैं। 2D बनाने के लिए हम यहाँ से स्केच लेते हैं। प्लेन सेलेक्ट करते हैं, ओके। इसके बाद 40 mm का टी बनाते हैं। 40 mm का सॉकेट लेंथ, सॉकेट डायमीटर और बॉटम डायमीटर और इंटरेस्ट डायमीटर, ये तमाम चीज़ें अपने को मालूम होनी चाहिए। तो इसका बॉटम डायमीटर है 40 mm का, वो है 40 mm, ओके। और एक दूसरा इंटरेस्ट डायमीटर, तो हम डालते हैं 40.4। दोनों को अलाइनमेंट देते हैं, ओके। इसके बाद इसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसा कि ये हमारा हो गया 40 mm, ये 40.4। और इसके बाद सॉकेट लेंथ, ये जो लेंथ है इसको हम सॉकेट लेंथ बोलते हैं। सॉकेट लेंथ हमारा हो गया 28, ये हमारा सॉकेट लेंथ हो गया। इसके बाद वॉल थिकनेस ISI का हम देते हैं 3 mm, वॉल थिकनेस 3 mm। इसके बाद ये लाइन एक मिला, एक्चुअली ये जो हमारा लाइन है इसको हम डिग्री में देंगे ताकि इजेक्शन के वक्त हमारा प्रॉपर एंगल मिले, उसको ड्राफ्ट मिले, तो हमारा आर्टिकल इजीली इजेक्शन हो पाए। तो इसके लिए हम इसको डिग्री में कर देते हैं। अभी फिलहाल रहने देते हैं, जब हम मोल्ड बनाएंगे तो उस वक्त हम डिग्री में देते हैं। अभी 2D ऐसे ही बनाते हैं, इसको अलाइनमेंट दे देते हैं सेंटर से, और उसको सेंटर से डिस्टेंस दे देते हैं कितना है। सेंटर से डिस्टेंस इसका हो गया 48, ये हमारा वन साइड बन गया। इसके बाद सॉकेट बॉटम जो है वहां पे हम एक 2 mm का स्टॉपर दे देते हैं ताकि हमारा पाइप फिटिंग को वर्टिकल अलाइनमेंट। इसके बाद दोनों को सिमेट्रिक, यहाँ से हम मेक सिमेट्रिक, दोनों को सिमेट्रिक दे देंगे और ये सेंटर से इसको कर देते हैं डिलीट, ओके। अब ये हमारा डायमीटर हो गया 38 का, दोनों तरफ से एक एक mm स्टेप रहेगा आर्टिकल। इसके बाद एक हमारा सॉकेट रेडी हो गया, इसको हम मिरर कर देते हैं। यहाँ से मिरर करते हैं, जो भी हमारा स्केच है उसको सिलेक्ट करते हैं। आप जूम इन जूम आउट करके प्रॉपर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट हो जाने के बाद आप इसको सेंटर लाइन से मिरर कर देंगे, दूसरी साइड हो गया। इसके बाद ये जो फिर वापस से दो साइड हो गया, तीसरे साइड इधर भी बनाना है टी के लिए। तो जैसा कि आपने ये देखा प्रोडक्ट, तो दूसरे साइड ही बनाना है, तो इधर भी उसको पैटर्न कर देते हैं। ये हमारा पैटर्न हो गया, यहाँ से सारे स्केचेस को हम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सिंगल कर्व करके। इसके बाद पॉइंट देते हैं 90 पे 2, बराबर है, ओके। ये हमारा टी का स्केच जो है बन गया, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। और ये जो अनर्गल चीज है इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद हम यहाँ पे स्केच हमारा फुली कॉन्स्टेंट है, ओके कर देते हैं।
ओके, ये हमारा टी का स्केच बन गया, इसको हम 3D करते हैं, रिवॉल्व जाते हैं। इसके बाद 3D बनाने के दो तरीके से इसको हम बनाएंगे, पहले एक ID को हम बनाएंगे, फिर OD बनाएंगे। इसके बाद OD में से ID को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले हम OD बनाते हैं, यहाँ पे सिंगल कर्व और इसको जो इंटरसेक्शन है उसको स्टॉप कर देंगे, 1। जो आईडी है, आईडी का जितना भी स्केच है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। आईडी का स्केच सिलेक्ट हो गया, इसके बाद सेंटर लाइन से जेड से इसको हम रिवॉल्व कर देंगे, ये एक हो गया। इसके बाद इधर वाला भी सेम प्रोसेस करते हैं, सेंटर लाइन, ये हो गया, ये हमारा ऐसा बन गया। अब यहाँ पे जो हमारा गैप है इसको हम फिल करते हैं, तो इसके लिए हम इसको ये फेस से, ये फेस को, अच्छा ये रिप्लेस नहीं होगा तो इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं वापस से, ऑफसेट। और कहाँ तक ऑफसेट करेंगे, तो ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर तक ऑफसेट करेंगे, सेंटर में जहां तक आ जाइए, जैसे ये प्लस हो गया। पहले एक काम करेंगे, पहले हम डिस्टेंस देख लेंगे कितना mm है, यहां से मेजर डिस्टेंस कर लेंगे सेंटर से, कितना mm है, 19 mm, तो 19 mm हम एक्सट्रूड ऑफसेट कर लेंगे, एक्सट्रूड भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम इसको ऑफसेट कर लेंगे 19 mm। ओके, इसको हम यहाँ पे यूनाइट कर लेंगे, 1 2, ये दोनों को यूनाइट कर लेंगे। ओके, ये हमारा आईडी बन गया। अब इसके बाद इसको हम अलग कलर दे देते हैं, ओके, इसको कर देते हैं सेव और इसको हाइड। अब ओडी बनाते हैं, ओडी के लिए आप ये लाइन लेंगे और इसको सेंटर से रिवॉल्व, इसी तरह इधर का लाइन लेंगे और इसको सेंटर से रिवॉल्व, इसको भी सेम प्रोसेस से, यहाँ पे गैप है तो गैप को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से कितना डिस्टेंस है देख लेते हैं, ये है 23.2, यहाँ से हम उतना ऑफसेट कर लेते हैं 23.2। ओके, और इसको यूनाइट कर लेते हैं, 1 2, दोनों को यूनाइट कर। अभी ये हमारा ओडी बन गया पूरा सॉलिड, ये देखिए हमारा ओडी बन गया पूरा सॉलिड, और इस साइड है आपका आईडी, तो ओडी में से आईडी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ओडी को भी कलर दे देते हैं, ओडी को कलर दे दिए येलो, ये कलर हो गया। अब इसके बाद इस ओडी में से हम आईडी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो रहा है, आप सब्सट्रैक्ट करके, आप सेक्शन करके देखेंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से, अब इसको हम ओडी में से आईडी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट ओडी, इसके बाद आईडी, ये हो गया। ओके, ये हमारा कंट्रोल टी। अब सिर्फ हम ओडी को रख के देखेंगे बड़े वाले को, तो आपको दिखेगा कि हमारा टी बन के रेडी हो गया, आप सेक्शन करके इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा टी बन गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा टी बन गया है, अब इसका हम मोल्ड डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो मोल्ड डिजाइन करने के लिए हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस में लेते हैं कि मोल्ड डिजाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस आर्टिकल का मोल्ड डिजाइन बनाना सीखेंगे, 6 कैविटी का मोल्ड विद स्लीव इजेक्शन, स्लाइडर वर्किंग एंड कैम ट्रैक वर्किंग। कैम ट्रैक को हम डॉग लेग भी बोलते हैं, तो उसके वर्किंग के द्वारा हम इसको सिलेंडर पे वर्किंग नहीं कराएंगे, डॉग लेग के द्वारा वर्किंग करा के 6 कैविटी का कंप्लीट मोल्ड डिजाइन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले रेडियस यहाँ पे देते हैं ताकि हमारा आर्टिकल स्ट्रांग और हो जाए। ओके, सबसे पहले हम इसका पंच बनाते हैं। पंच बनाने के लिए इसका हमको पार्टी लाइन डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कैसे बनाएंगे इसको। हम वर्टिकल मोल्ड बनाएंगे तो हमारा पार्टी लाइन पहले डिसाइड करेंगे कि कौन सा पार्ट्स कोर में जाएगा, कौन सा पार्ट्स कैविटी में जाएगा और कौन सा पार्ट्स हमारा स्लाइडिंग वर्किंग में जाएगा। तो जैसा कि हम आर्टिकल पहले से ही हम सेट कर चुके हैं,
जो हमारा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के सेंटर में आर्टिकल है। तो यहाँ से आप अगर ऊपर देखेंगे तो ये पार्ट्स हमारा कैविटी में जाएगा, नीचे वाला पार्ट्स कोर में जाएगा, और ये पार्ट्स कोर कैविटी में ही रहेगा, लेकिन हम ये स्लाइडर के वर्किंग से यहाँ से पंच स्लाइडिंग करेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, पंच बनाते हैं। इसके लिए सरफेस में चलते हैं। सरफेस में चलने के बाद आप ऑफसेट सरफेस लेते हैं, यहाँ पे हम सिंगल फेस करते हैं और यहाँ पे जीरो, और इसके बाद अंदर का फेस जो है सबको हम ऑफसेट कर लेते हैं जीरो। ऑफसेट जो हम देंगे वैल्यू वो जीरो देंगे। ये हमारा ऑफसेट हो गया, ओके। और ये है, जो लॉन्ग पंच है, लॉन्ग पंच का हम ऑफसेट कर लेते हैं, इसको करते हैं ओके। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 3D है इसको हम हाइड कर देते हैं सॉलिड को। अब हमारे पास सीट हो गया, सीट को हम यहाँ से सीट को सॉलिड कर लेते हैं। अब वापस से आप सरफेस में जाएंगे, सरफेस के बाद में जाने के बाद बाउंडेड प्लेन लेंगे। बाउंडेड प्लेन से जो भी एरिया आपका दिख रहा है ओपन, उसको हम क्लोज कर देंगे 1 2 3। इसके बाद ये हर तरफ से क्लोज हो गया, इसको हम अभी भी आप सेक्शन करके देखेंगे तो ये हमारा सीट में ही रहेगा। इसको मैं सॉलिड करना है, तो सॉलिड करने के लिए यहाँ पे हमारा सीव ऑप्शन है, उससे हम बॉडी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो जिससे हम क्लोज किए हैं बाउंडेड प्लेन से, उसको सिलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। अभी हमारा सीट जो है सॉलिड हो गया, ये हमारा सॉलिड हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा सॉलिड हो गया। इसके बाद ये इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारा एक ये मेन जो लॉन्ग पंच है और कैविटी साइड पंच है, ये दो पंच हो गए, इसको हम आर्टिकल लाते हैं। इसके बाद जो अंदर हमारा पंच है, इसको हम कलर व्हाइट कलर दे देते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कर दिए ताकि अंदर की पंच हमें दिख पाए। इसके बाद जो ये हम सॉलिड बनाए हैं उसको हम यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं, ताकि पंच जो है हमारा यहाँ पे फेस और ये सेंटर वाला प्लेन है उससे हम स्प्लिट कर देंगे। अभी ये हमारा पंच जो है वो दो भाग में हो गया, एक ये और एक ये, देखिए हमारा दो पंच हो गया, ये और ये। हमारा कोर कैविटी का पंच तो बन गया। अब इसके बाद हमारा स्लाइडर वाला पंच बनाना है, इसको वापस से हम सरफेस लेते हैं, ऑफसेट सरफेस, सिंगल फेस, जीरो, 1 2। ये फेस को हम अभी सिलेक्ट नहीं करते हैं, ये दो दो ही फेस सिलेक्ट करते हैं और आप इसको हाइड करते हैं, इसको बाउंडेड प्लेन से क्लोज करते हैं 1। इसको भी करते हैं क्लोज, ओके। इसके बाद सीव कर देते हैं, ये भी हमारा सॉलिड नहीं है, सीट में है, क्योंकि हमने सीट इसको लिया है उस सीट में, इसको हम सॉलिड कर देते हैं। वापस सीव से हम सीट करते हैं 1 2। अभी आप देखेंगे तो ये हमारा सॉलिड हो गया। अब सॉलिड हो गया तो इसके बाद ये जो फेस है ये फेस को हम यहाँ से एक्सट्रूड कर लेते हैं, ये फेस और एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड कहाँ तक करेंगे, तो सेंटर तक करेंगे, सेंटर जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक हम एक्सट्रूड करेंगे, ओके कर देंगे यहाँ। इसके बाद ये एक्सट्रूड में से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। और इसके बाद यहाँ से ये पार्ट्स और ये पार्ट्स को यूनाइट कर देंगे, डन। अभी आप सिर्फ इसको रखेंगे और देखेंगे कि ये हमारा एक पंच रेडी हो गया। ये हमारा साइड कोर पंच है, इसको हम साइड कोर बोलते हैं, ये हमारा वर्किंग होता रहेगा। इसको भी हम कलर देते हैं वाइट, ओके। अब जैसा कि आप देखेंगे कि हमारा कोर, कैविटी और साइड कोर तीनों पंच हमारा बन के रेडी हो गए। कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारे बच जाएंगी, उसको हम अगर बच जाती हैं सपोर्टेड तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट बॉडी कर सकते हैं। अब आप सेक्शन करके देखेंगे तो आपको प्रॉपर चीज़ें दिखाई देंगी। एक पंच ये हो गया, एक दो, और एक ये साइड कोर, थ्री पंच हो गया। इसके बाद अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले कैविटी साइड का देखते हैं, ये एज को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, यहाँ से हम सिंगल कर्व लेते हैं, ये एज को सिलेक्ट करते हैं,
और 15 से 20 एम एम हम ये हमारा बैरिंग एरिया रहे, जो कैविटी साइड में फिक्स पंच है उसको हम बैरिंग एरिया 15 एम एम दे सकते हैं, 10 से मिनिमम 10 एम एम देते हैं, 10 से आप प्लस कर सकते हैं। वो हम जब कोर कैविटी प्लेट लेंगे तो प्लेट का थिकनेस जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम ये बैरिंग एरिया एडजस्ट कर सकते हैं। अभी 15 एम एम लेते हैं और यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट 0.5 तक ले लेते हैं, इसको कर देते हैं ओके। ये हमारा रिसाइज फिर देखते हैं कितने का है, 41.4, इसको हम राउंड फिगर साइज कर देंगे 42 ओके। ये हमारा 42 एमएम का डायमीटर हो गया। अभी आप सेक्शन करके बार बार आप अगर सेक्शन करके देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर तरीके से समझ आएंगी। लेकिन एक चीज़ हम बिगनिंग में आपको बताना भूल गए, जब हमारा प्रोडक्ट डिजाइन फाइनल हो जाता है, जैसे कि ये हमारा प्रोडक्ट डिजाइन अगर फाइनल हो गया, इसका हम ट्रांसपेरेंट निकाल देते हैं यहाँ से। हमारा प्रोडक्ट डिजाइन जब फाइनल हो गया तो हमें इसमें जब मोल्ड डिजाइन हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें श्रिंकेज वैल्यू ऐड करते हैं। श्रिंकेज वैल्यू ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में जब जाते हैं, फिर दूसरे रूप से वापस तीसरे रूप में जाते हैं, तो उनका कुछ वैल्यू होता है जो श्रिंक करते हैं। जैसे हमारा पाउडर है, पाउडर को गर्म किया जाता है बहुत हार्ड मोल्डिंग मशीन में, तो वो जब गर्म पाउडर फिल होता है हमारी कोर कैविटी में और वापस से जब वो ठंडा होता है तो उसमें उनका जो वैल्यू है उस वैल्यू में वो श्रिंक करता है, उसका स्टैंडर्ड श्रिंकेज वैल्यू होता है। तो जब हम मोल्ड बनाएंगे कोई भी पार्ट्स का, तो मोल्ड बनाने से पहले हम प्रोडक्ट जब फाइनल हो गया तो उसमें श्रिंकेज वैल्यू ऐड करते हैं। तो पीवीसी का हमारा श्रिंकेज वैल्यू है 0.5%, श्रिंकेज वैल्यू है जो 0.5% है। ऐसे पीपी का 0.1% होता है और ABS का आपका 0.7%। ऐसे ही हर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का अपना अलग अलग श्रिंकेज वैल्यू है। तो आने वाली वीडियो में हम श्रिंकेज वैल्यू के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से प्लास्टिक का क्या श्रिंकेज वैल्यू है, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम पीवीसी का देखते हैं। तो इसमें हम श्रिंकेज, अभी आपको फर्स्ट में हमने नहीं बताया, तो अभी इतना वर्क करने के बाद हम श्रिंकेज वैल्यू देख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, जब अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए कि आप श्रिंकेज वैल्यू ऐड करना भूल गए और कुछ चीज़ें कुछ वर्क करने के बाद आपको याद आया श्रिंकेज वैल्यू ऐड करने के लिए, तो भी कोई मसला नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आता है, अभी ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया है, तो जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ पे आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से मेक करंट फीचर कर देंगे। मेक करंट फीचर करेंगे तो उससे पहले जो कुछ भी हुआ रहेगा वो चीज़ें आपको दिखेंगी, उसके बाद जो कुछ भी हुआ रहेगा वो वहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी हमारा प्रोडक्ट ये जैसे शुरू में था वैसे अभी तक है, तो इसको हम श्रिंकेज वैल्यू देते हैं। तो यहाँ से आप श्रिंकेज वैल्यू देने के लिए स्केल बॉडी, एनएक्स प्रोवाइड कराता है आपको स्केल बॉडी, ये मोर में आप जाएंगे, यहाँ से स्केल बॉडी जाएंगे आप। तो स्केल बॉडी जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है, अब देखिए इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बाई डिफ़ॉल्ट ये यूनिफॉर्म रहता है। यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म, एक्सीमेट्रिक, नॉन यूनिफॉर्म तमाम चीज़ रहती है, लेकिन आपको आप यहाँ से रीसेट करेंगे फिर भी बाय डिफॉल्ट ये यूनिफॉर्म ही लेता है, तो हमको यूनिफॉर्म ही रहने देना है। इसके बाद ये बात करते हैं सिलेक्ट बॉडी, तो सिलेक्ट बॉडी करते हैं और यहाँ पे कितना हमें वैल्यू देना है, तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है, 1 होता ही है कोई प्रोडक्ट से, उसका वैल्यू जो है वो 100% अपना 1 रहता है। उसमें हमें कितना ऐड करना है, तो हमें 0.5% इसका श्रिंकेज वैल्यू देना है। तो 0.5% आप अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 0.5% आप यहाँ पे देंगे, नहीं 0.5%, 0.5% मतलब 0.5 में आप 100 का 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा आया 0.005, ये वैल्यू को आप 1 में प्लस कर देंगे, यहाँ स्केल बॉडी आएंगे तो 1 में 0.5% का जो वैल्यू आया तो उसको 1.005, ये हमारा हो गया श्रिंकेज वैल्यू। 1 तो हमारा बाय डिफॉल्ट है और इसमें हम कितना ऐड किए 0.5%, तो 0.5% का वैल्यू है 0.005, इसको हम कर देंगे ओके। अभी देखिए आप इसको चेक अनचेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा, देखिए ये श्रिंकेज वैल्यू निकल गया, अभी प्लस हो गया, निकल गया प्लस हो गया। तो इस तरह आप श्रिंकेज वैल्यू डाल सकते हैं। इसके बाद वापस से आप यहाँ पे आके लास्ट जो ऑप्शन है वहाँ पे आप मेक करेंट फीचर करेंगे तो तमाम चीज़ें हो जाएंगी। कुछ चीज़ें इसमें डिस्टर्ब भी होगी, जैसे देखिए ये यूनाइट का डिस्टर्ब हुआ तो उसको वापस से आपको करना पड़ेगा, मेक
करंट फ्यूचर, कहाँ से चीजें यहाँ पे आप यूनाइट को डिलीट कर देंगे, वापस से यूनाइट कर देते हैं वन ये बॉडी के साथ, ओके। और इसके बाद फिर हम वापस से उसी जगह पे आ गए हैं जहां से हम डिलीट बॉडी ने। अभी आप सेक्शन करके देखिए तो आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप सेक्शन लेते हैं, लेकिन सेक्शन लेने के बाद आप देखिए, अगर आप सेक्शन लिए हैं तो आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे जो एज है वो एज नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से जाकर सेक्शन ऑन करेंगे तो आपको एज दिखेगा, ओके। यहाँ से हम इसको बंद करते हैं, सेक्शन हटा देते हैं। ये हमारा कैविटी साइड का पंच है, ओके। जैसा कि अभी हम देख लेते हैं कि जब हम कोर कैविटी बनाएंगे तो हमारा डिस्टेंस, यहाँ से हम कोऑर्डिनेट से ये हाइट कितना है 63। तो हम यहाँ पे जो कैविटी इंसर्ट है वो हम 65 का रख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हम ले लेते हैं वापस से एक बार और राउंड फिगर वैल्यू कर देते हैं। यहाँ से वैल्यू हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, और 63 mm समथिंग था पॉइंट में, तो उसको राउंड फिगर कर लेंगे। तो इसको ऑफसेट कर लेते हैं कंट्रोल भी प्लस 65 mm कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे इसका वापस से वैल्यू चेक करके, तो सेंटर से ये हमारा हो गया 65 mm। अभी हमारा कैविटी जो हो गया 65 mm का हो गया, कोर भी हम सेम 65 mm का रखेंगे। इसके बाद ये पंच में हम कॉलर बनाए थे, कॉलर हम 8 mm डीप करते हैं और यहाँ पे ऑफसेट 3 mm कर देते हैं। ये हमारा रिसाइज फेस देखते हैं कितने का है, 40 mm का ये हमारा पंच हो गया, और इसको यूनाइट कर देते हैं। ये पंच और ये तीनों को करते हैं यूनाइट। अभी सिर्फ हम कैविटी पंच रखते हैं, ये हमारा पंच हो गया। इसको हम कलर कोडिंग करते हैं, इसका कलर कोडिंग में आर्टिकल एरिया अलग, और ये पंच हो गया कंट्रोल जे, यहाँ से कंट्रोल जे करके आप फेस सिलेक्ट करके कलर दे सकते हैं। ये जो एरिया है हमारा कलर है बाय आर्टिकल एरिया है, ये उसको हम डीप गोल्ड दे देंगे, ओके। ये जितना आपको डीप गोल्ड कलर दिख रहा है ये हमारा आर्टिकल एरिया, जब आर्टिकल आप इसमें रखेंगे तो आपको दिखाई देगा इतना एरिया हमारा आर्टिकल एरिया है। इसी तरह ये कैविटी का हो गया, तो इसी तरह हम कोर का भी रखते हैं, कोर का भी हम कलर दे देते हैं 3, और ये हो गया हमारा डीप गोल्ड। और एक चीज और इसमें हम ऐड करते हैं कि जब ये ये दो पंच जो हमारा है, आप देखेंगे ये कैविटी का ये कोर का, जब ये दोनों पंच एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के फेस से ये बैरिंग में है टच है, इसको हम कपलिंग दे देंगे ताकि हमारा मोल्ड में अलाइनमेंट बना रहे। तो ये दोनों पंच में मेल फीमेल कपलिंग दे देते हैं, तो कोर में मेल दे देते हैं। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे एज को 5 mm कपलिंग दे देते हैं, और इसके बाद इधर से ऑफसेट आप कर दीजिए माइनस 5, इसको कर देते हैं यूनाइट यहाँ से, ओके। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कितने का ये डायमीटर है, राउंड का डायमीटर होना चाहिए, तो ये है 28.19, तो इसको हम कर देते हैं 30।
या 28 करते हैं, करते हैं ओके। इसके बाद इसको हम डिग्री देते हैं, ड्राफ्ट देते हैं यार, ये एज पकड़ते हैं और एज को हम यहाँ पे 10 का ड्राफ्ट देते हैं ओके। ड्राफ्ट हम क्यों देते हैं, ताकि जब हमारा कपलिंग हो तो ईजिली हमारा कपलिंग हो पाए, और जैसे ही जब मोल्ड ओपन हो तो कैचिंग करने का प्रॉब्लम ना हो या स्कोरिंग करने का प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हम इसको डिग्री देते हैं ईजिली हमारा ये ओपन होने के लिए। ये फेस को हम बैरिंग है, ये दोनों फेस हमारा बैरिंग एरिया रहेगा, तो इसको हम यहाँ पे कलर देते हैं ओके। यहाँ पे हम रेडियस दे देते हैं 1 का। अब हम ये जो कैविटी है पंच, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें फीमेल कर देते, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं ओके। इसके बाद अगर आप सेक्शन करके देखेंगे तो आप प्रॉपर दिखेगा, ये हमारा कोर हो गया, इसमें मेल कपलिंग है और ये हमारा कैविटी हो गया। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम टॉलरेंस देते हैं, टॉलरेंस देने के लिए मीन्स हम वहाँ पे गैप देते हैं कि जब हमारा वर्किंग बैरिंग लिया जाए तो प्रॉब्लम ना हो इजीली। 0.5 का हम इसमें स्पेस देते हैं, टॉलरेंस देते हैं, और इस एरिया को भी हम बैरिंग एरिया को कॉर्न फ्लावर कलर से कलर कर देते हैं। अब ये हमारा कैविटी पंच हो गया, कंप्लीट कैविटी पंच। और इसके बाद ये हमारा है कोर, कंप्लीट कोर पंच। और तीसरा ये हमारा बच गया साइड कोर, इसको भी हम कलर देते हैं पहले आर्टिकल एरिया को 1, 2, 3। ये हमारा आर्टिकल एरिया है, तो इसको हम डीप कोड देते हैं। कलर कोडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ों को कैटेगराइज और तरीके से उसको संभलने के लिए, समझने के लिए। ये हमारा बैरिंग एरिया है, तो इसको हम कॉर्नफ्लावर कलर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये कैविटी इंसर्ट, कोर इंसर्ट, लॉन्ग कोर और ये साइड कोर, तीनों इंसर्ट हमारा पंच बन के रेडी हो गया है। अब इसका हम आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस के लिए जैसा कि हम ऊपर ये फिक्स पंच का बनाया, उसी तरह हम ये लॉन्ग पंच जो है इसका भी हम बनाते हैं, लॉन्ग पंच को बनाते हैं। अब ये यूनाइट करते हैं, ये पंच से यूनाइट कर दिए, और यहाँ पे भी हम ऑफसेट 0.5 का ऑफसेट दे देंगे, 0.5 सो कर देंगे ओके। और इसको भी हम चेक कर लेंगे, हमारा राउंड फिगर साइज है ना, ये 41.6 है, तो इसको हम 41.5 कर देते हैं राउंड फिगर साइज। राउंड फिगर साइज का एक फायदा रहता है कि जब आप इसका 2D ड्राइंग इशू करोगे, आप दोगे, तो उसको बनाने में जब ये बनेगा पंच BMCNC में लेथ पे, तो ईजिली हम चेक कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। अगर राउंड फिगर साइज आप दोगे तो राउंड फिगर साइज नहीं रहेगा तो आपको भी उसको मेजर करने में प्रॉब्लम होगा, इसके लिए हम राउंड फिगर साइज देते हैं। इसके बाद ये हम लॉन्ग पंच बना दिए, और इसके बाद साइड कोर जो है उसको हम बनाते हैं। अभी इसका लेंथ जो है लॉन्ग कोर का हम फाइनल नहीं किया है, जब हम आगे प्रोसेस करेंगे तो उसको लेंथ को फाइनल करेंगे। इधर भी ये जो हमारा बना रहा है, इसको बैरिंग एरिया बनाएंगे, इसको भी यूनाइट करते हैं, इससे यूनाइट कर देंगे और यहाँ पे वेक्टर दे देंगे, और इसको भी 0.5 का ऑफसेट दे देंगे ओके। अभी इसको भी राउंड फिगर कर देते हैं 41 का, 41.5 ओके। और ये हमारा जो है बैरिंग एरिया, इसको हम डिग्री में देंगे, क्योंकि ये हमारा जो पंच है, ये हमें ये पंच जो है हमारा, इसको बार बार वर्किंग करना है, इतना जो है इसको बार बार स्लाइडिंग करना है, स्लाइडर के द्वारा वर्किंग करना है, तो ये एरिया जो बैरिंग एरिया है इसको हम ड्राफ्ट देते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 3 का डिग्री देते हैं, ड्राफ्ट देते हैं, कुछ लोग 5 का भी देते हैं, 5 का भी देते हैं, लेकिन 3 का इनफ है। इसके बाद ये हमारा पंच बन के रेडी हो गया, तीनों का पंच। इसके बाद एक स्लीव बनाते हैं, स्लीव से इजेक्शन के लिए, क्योंकि हम इसमें इजेक्टर पिन ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसको यहाँ पे, क्योंकि वर्टिकल मोल्ड बना रहे हैं तो ऐड नहीं कर सकते। अगर आप हॉरिजॉन्टल मोल्ड बनाते हैं तो उसमें हम इजेक्टर पिन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इजेक्शन दे सकते हैं इसको। अगर हम आर्टिकल को ऐसा बनाते तो इधर इजेक्शन के लिए इजेक्टर पिन दे देंगे, लेकिन जब हम वर्टिकल बना रहे हैं तो ये एरिया में हम कहीं भी इजेक्टर पिन नहीं दे सकते, तो यहाँ पे हम ये जो एरिया है यहाँ पे हम स्लीव दे देंगे, स्लीव के द्वारा वर्किंग कराएंगे 2.5। तो यहाँ से एक्सट्रूड करते हैं,
और ये एज को सिलेक्ट करते हैं, इसको नन, ओके। और यहाँ पे ऑफसेट में टू साइडेड देंगे 0 और इधर दे देंगे 2 mm, 2 mm का वॉल कर देंगे, ओके। इसको भी कलर दे देंगे, ये हमारा हो गया रेड कलर, स्लीव रेड कलर। अब आप जब सेक्शन करके देखेंगे तो आपको तमाम चीज़ें दिखेगी। ये हमारा कैविटी, अब फिक्स्ड पंच ही बोलते हैं इसको, कैविटी साइड पंच बोलते हैं, फिक्स्ड पंच भी बोलते हैं क्योंकि हमारा फिक्स रहता है। ये कोर है, ये लॉन्ग कोर पंच बोलते हैं, इसको स्लीव बोलते हैं, और ये जो है साइड कोर पंच बोलते हैं। ये हमारा हो गया स्लीव। अब इसको भी राउंड फिगर कर देते हैं, ओडी जो है इसका ओडी है 45.5, इसको करते हैं 46। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल से मिनिमम आपका 0.3 से 0.5 mm तक बचना चाहिए, तो अभी 0.3 mm बच रहा है तो ओके है, ये बन गया। अब इसका हम, ये तीनों चीज हम हमारा बन गया, तो अब इसके बाद हम साइड व्यू मोल्ड डिजाइन का साइड व्यू क्रिएट करते हैं। आगे भी प्रोसेस हम कर सकते हैं लेकिन साइड व्यू बनाते हैं। उसके लिए एक काम और करते हैं कि 6 कैविटी का हमें बनाना है, तो इसको पहले सेटल कर लेते हैं, तो इसको कंट्रोल टी मूव कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, पांचों को मूव कर लेते हैं, इसको मूव कर लेते हैं सेंटर टू सेंटर 50 mm, ये करते हैं ओके। सेंटर से इधर 50 mm हो गया, और इसको मिरर मारेंगे जब तो इधर भी 50 mm आ जाएगा, दोनों के बीच में हमारा ऐसा इतना जगह रहना चाहिए ताकि हमारा रनर और बाकी चीज़ें जो है वो हम उसमें कर सकें। तो 25 mm, 26 mm सेंटर से आर्टिकल का एज जो है उसको 25 से मिनिमम 25 mm रखते हैं। पीवीसी में 20 mm भी रख सकते हैं लेकिन 25 mm रखेंगे ताकि हमारा रनर जो है वो बैलेंस कर सके। तो रनर ये एरिया में दोनों साइड 20, इधर भी 25 mm, इधर भी 25 mm बचेगा, तो आप इसमें रनर इजीली बना सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी इसको हम साइड व्यू मोल्ड डिजाइन का साइड व्यू बनाते हैं, या वापस से यहाँ से स्केच लेते हैं और ये प्लेन लेते हैं, ओके करते हैं। इसके बाद एक और काम करते हैं यहाँ पे, वो बनाने, स्केच बनाने से पहले एक और, तो डिस्टेंस चेक कर लेंगे कितना है, 130, और ये हमारा बैरिंग एरिया कितना है, ये मेरा अपना 20 से 25 mm तक होना चाहिए। तो इसको हम सेंटर से कितना आ रहा है, ये 130, इसको हम मेजर कर लेते हैं, प्रोजेक्टेड ये हो गया 129 पॉइंट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और उसको राउंड फिगर साइज दे देते हैं ताकि हमारा कोर कैविटी जो है वो राउंड फिगर साइज है। इसको हम करते हैं 125 करते हैं, ये अब हमारा हो गया 125। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो ये हो गया 125। इसके बाद इसका कॉलर बना लेते हैं, कॉलर 10 mm का कॉलर ले लेते हैं और इसको 3 mm तक ऑफसेट और यूनाइट, इससे यूनाइट कर देंगे। अभी कॉलर डायमीटर को भी राउंड फिगर 50 कर लेते हैं, ओके। अब ये पंच हो गया, अब ये दोनों स्लीव और लॉन्ग कोर है, ये पंच का भी हम कॉलर सब डिसाइड कर लेते हैं, अभी बनाते हैं। इसके बाद 6 कैविटी करके मोल्ड डिजाइन बनाते हैं, तो इसका भी हम यहाँ से एक्सट्रूड और इसको हम यहाँ पे 40 mm यूनाइट कर लेते हैं और स्ट्रेंथ के लिए 1.5 mm, ओके ये हो गया। इसके बाद वापस से 10 mm कॉलर बनाए थे यूनाइट और यहाँ पे 3 का ये हो गया, ओके। इसका साइज फिर 50 करते हैं, ओके। ये हमारा लॉन्ग कोर का ऐसा बन गया, अभी स्लीव बच गया, स्लीव का बनाते हैं बाद में हम। इसका लेंथ जो है, लेंथ अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं, लेंथ जब हम बनाएंगे एडजस्ट कर लेंगे, तो इसके लिए पहले इसका हम बाकी जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। तो इसको भी यहाँ पे हम 45 mm यूनाइट, अब जबकि ये हमारा हलो है, आईडी ओडी दोनों है,
तो इसको हम यहाँ पे ऑफसेट करेंगे, तो दोनों साइड से करेंगे और इधर हम 3 mm ओके इसको यूनाइट करते हैं। ओके ये हो गया। इसके बाद वापस इसका कॉलर देते हैं 10 mm, 8 mm इसका कॉलर देते हैं और इसको भी यूनाइट कर देते हैं 3 mm यहाँ से दोनों साइड, टू साइड। ओके -1 यूनाइट। ओके ये हो गया हमारा राउंड फिगर साइज 58 का। अब आप अगर आप सेक्शन करके देखेंगे तो सिर्फ स्लीव ले लीजिए। ओके ये हमारा स्लीव हो गया। इसको यहाँ पे हम चैम्पर देते हैं 45 का डिग्री, यहाँ से आप चैम्पर दे दीजिए, ऑफसेट एंड एंगल यहाँ पे सिमेट्रिक एसिमेट्रिक और ऑफसेट एंगल, तो ऑफसेट एंड एंगल दे दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए 3 mm और डिग्री दे दीजिए 45 का। ये हमारा स्लीव रेडी हो गया, ये हमारा स्लीव हो गया। कंटू मैच करके आप देखेंगे तो ये हमें प्रॉपर तरीके से स्लीव दिखाई देगा, ये हमारा स्लीव हो गया। इसका लेंथ हम बाद में डिसाइड करें। ये तीनों चीज़ें हो गई हमारे पास। अब हम इसको ये थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, बाद में हम हाइट एडजस्ट करेंगे, लेकिन अभी ये एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो रहा है, तो इसको यहाँ पे 40 से 30 35। हाँ अब ये पंच में एक चीज़ और बच गया है, अगर कूलिंग करना है तो कूलिंग के लिए भी हम अभी कर देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक पंच में कर देंगे बाद में हम बाकी सारे पंचों में ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं तो बाद में अगर हम पहले ही इसको मिरर कर लिया और पैटर्न कर लिए फिर बाद में अपने को हर पंच में करना रहेगा तो वो काम पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम अभी इसका कूलिंग दे देते हैं। कूलिंग के लिए होल में जाएंगे आप, ड्रिल कूलिंग देना है, जनरल होल, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन जनरल होल लेना है, और इसके बाद ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट करेंगे आप, काउंटर बोर्ड ये सिंपल कर देंगे और कितने का डायमीटर देना चाहिए था आपको, तो ताकि एक चीज़ इसमें हम ध्यान रखेंगे 20 का भी दे रहे हैं या 16 का दे रहे हैं, ये किस कैसे डिसाइड करेंगे हम कि 20 का दे कि 16 का दे कितने का दे, उसके लिए क्या करेंगे आप जब सेक्शन करके देखेंगे तो जो आर्टिकल है ये कूलिंग का जब हम ड्रिल मारेंगे तो ये एरिया जो है हमारा मिनिमम 6 से 6 mm बचना चाहिए मिनिमम, उससे कम अगर हम लेंगे तो वो रिक्स हो जाएगा, तो मिनिमम हम 6 mm रखते हैं, तो अभी 12 mm है तो इसको हम और बढ़ाते हैं, कूलिंग का जो ड्रिल है इसको हम 20 का ड्रिल मारते हैं। ओके तो ये हमारा 20 का ड्रिल हो गया और उसके बाद इसको देखेंगे आप तो वाल बच रहा है 10 mm, तो चलेगा 10 mm बच रहा है तो ओके है। इसके बाद इधर ओरिंग बनाते हैं, ओरिंग क्यों, जब हम कूलिंग करते हैं तो ओरिंग भी साथ में मारते हैं ताकि लीकेज ना हो, यहाँ पे हम जाके यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 और सब्सट्रैक्ट में आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा ओरिंग 2.3 का ओरिंग रहता है तो उसका 2.5 mm डीप मारते हैं ताकि 0.5 mm हमारा ऊपर ही रहे तो उसको दबा के रखें तो पानी लीकेज ना हो पाए, वाशर वाशर डालते हैं ताकि पानी लीकेज ना हो, सो कर देंगे ओके। ये हमारा कूलिंग बन गया, इसको भी कूलिंग का भी हम कलर कोडिंग कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। फेस सिलेक्ट ये हम सियान कलर से कर दिए और जो हमारा ओरिंग एरिया है इसको वापस से सिलेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट दूसरा वाला, यहाँ से फेस 1 ये फेस को नहीं लेना है, ये हमारा ओरिंग वाला फेस है, ये फेस को रेड कलर देते हैं, ये हमारा हो गया कूलिंग का। अब इसी तरह हम कूलिंग लॉन्ग कोर और ये कैविटी पंच में भी करते हैं वापस से, इसमें भी हम 20 का करते हैं, लेंथ लेंथ हम उतना रखेंगे ताकि हमारा कूलिंग फूटे ना, लीकेज का प्रॉब्लम ना हो, और इसके बाद लॉन्ग कोर में भी करते हैं, पॉइंट सेलेक्ट करते हैं सेंटर पॉइंट, और लेंथ यहाँ पे दे देते हैं
ये आप देखेंगे इससे कम से कम 15 mm बचना चाहिए, 12 से 15 mm बचना चाहिए उस हिसाब से। इसको 20 का खोलें, ओके। इसके बाद ओरिंग बना देते हैं, एक्सट्रूड, और इसके बाद ये एज सिलेक्ट करते हैं 2.5 डीप, और यहाँ पे ऑफसेट में जाके आप ऑफसेट कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया ओरिंग, और इस तरह लॉन्ग कोर में भी ओरिंग बना देते हैं। ये फेस को सिलेक्ट करते हैं, ऑफसेट, टू साइडेड ओरिंग, और इसको भी हम कलर कोडिंग कर देते हैं। ये फेस इसका भी करते हैं, इसको सियान कलर से, ओके। फिर सिलेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट, फिर वापस से फेस सिलेक्ट करते हैं और ओरिंग को रेड कलर से कलर कोडिंग कर देते हैं। एक एक चीज़ों को बनाते जाएंगे, कलर कोडिंग करते जाएंगे, तो बाद में चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। अभी आप सेक्शन करके देखेंगे तो प्रॉपर दिखेगा। कूलिंग, ये हमारा कूलिंग ड्रिल है। अब ये जो हम वॉल यहाँ पे छोड़े हैं, तो यहाँ पे 10 से 12 से 15 mm रहना चाहिए दोनों साइड। जो ये हमारा कोन एरिया है, इससे 10 से 12 mm इधर भी सेम रहना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। अब हम प्रॉपर एक आर्टिकल को, उसमें जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होने वाली है, वो तमाम चीज़ों को हम बना चुके हैं। अब इसको जितने कैविटी का बनाना है उतना कैविटी डिसाइड करके आप पिच डिस्टेंस, ये सब चीज़ें डिवाइड करके आप बना सकते हैं। तो हमने सेंटर से सेंटर, कोऑर्डिनेट सेंटर और आर्टिकल सेंटर 45 mm यहाँ पे हमने मूव करके लिया। अब इसको हम इधर सेंटर शिफ्ट करते हैं। 6 कैविटी का हमें बनाना है, तो पैटर्न ज्योमेट्री लेते हैं। लेने के बाद आप हर चीज़ को 1, 2, 3, 4, 5 इसको सिलेक्ट करके, और लाइनर लेते हैं यहाँ पे लीनियर, और यहाँ पे आपको देना है वेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आप वेक्टर वाई दे देंगे। वाई देने के बाद कितना बनाना है कैविटी, तो इधर हमको 2, टोटल 3 कैविटी है, तो 1, 2 और 1 इधर आ जाएगा। तो इधर सिमेट्रिक कर देंगे तो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये जो पिच डिस्टेंस है, ये आप दे सकते हैं ताकि एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल के बीच में मिनिमम आपका 15 to 20 mm होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दे देते हैं 65 mm 70 mm देते हैं, और इसके बाद देखते हैं आर्टिकल टू आर्टिकल कितना बच रहा है, 23 mm, जो कि इनफ है। 20 मिनिमम हम 12-15 mm रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रखेंगे तो बेहतर है, और बेहतर है, ताकि ये हमारा गैप भी बना रहे। तो ये 3 कैविटी हो गया, इसको मिरर मार देंगे यहाँ से। मिरर ज्योमेट्री, मिरर ज्योमेट्री में आपने जिसको पैटर्न नहीं किया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 15 इसको हम सेंटर से मिरर कर देंगे, तो ये हमारा 6 कैविटी अभी मिरर हो गया। कंट्रोल एस, ये हमारा 6 कैविटी का अभी हमने पिच डिस्टेंस भी देख लिया, सेंटर टू सेंटर 60-70 mm दिए हैं, 70 mm हमारा आर्टिकल से एज टू एज कम से कम 15 से 20 mm कम से कम होना चाहिए। उससे कम रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि हमें इसमें रनर भी डालना है, और ये जो कॉलर बनाया है पंच का कॉलर और स्लीव का कॉलर, उसके बीच में भी गैप बना रहा है, और इसके बाद नॉकआउट होल भी यहाँ पे हम मारते हैं तो वो भी बना रहा है। इसके लिए सेंटर से एज टू एज कम से कम 20-25-15 रखते हैं, और सेंटर टू सेंटर कभी भी हम पीक डिस्टेंस देखेंगे या डालेंगे तो हम हमेशा सेंटर टू सेंटर डिसाइड करेंगे, सेंटर टू सेंटर, हम एज टू एज नहीं। अगर हमें 20 mm देना है, 50 mm देना है, तो ये एज टू एज हम देखेंगे तो वो बराबर नहीं आएगा, हमें सेंटर टू सेंटर काम करना है। ये सेंटर अगर आप चेक करेंगे, ये सेंटर टू ये सेंटर, तो आपका 70 mm है। इधर अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे वेक्टर चेंज करेंगे आप, तो ये 100 ये हो गया। अब हम इसका, अब जो हम लेआउट बनाएंगे, ये हम 6 कैविटी का बना दिए, अब इसके बाद हम मोल्ड डिजाइन का लेआउट बनाएंगे। 1 मिनट, ठीक है। लेआउट बनाने के लिए हम जैसा कि स्केच लिए थे उसी को वापस स्केच लेते हैं, होम, और स्केच में जाते हैं, प्लेन लेते हैं,
और इसको करते हैं ओके। इसके बाद लेआउट बनाते हैं, यहाँ से स्केच लेते हैं, इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसके बाद ये जो हमारा एरिया है ये